हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे CHSL 2018 के टाइप टेस्ट के बारे में बात करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या आती हैं, आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी उसके बारे में बात करेंगे। DV के बारे में बात करेंगे कि DV और टाइप टेस्ट क्या एक साथ होगा और DV में क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए और किस तरह से आपको DV के टाइम पे सावधानी लेनी है। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्टिंग मिलती है सिलेक्शन होने पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो आप उदय करियर एकेडमी पर देख रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। ये लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड है और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि जो टाइप टेस्ट होगा उसमें कमीशन ये डिसीजन ले सकता है कि वो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट करवाए, फोटोग्राफी करवाए, वीडियोग्राफी कराए। जब स्किल टेस्ट होगा उस दौरान कुछ भी करवा सकता है इन चीज़ों में से, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की फ़ोटो, हैंडराइटिंग, इन सब में अगर मिलान कहीं ठीक से नहीं पाया जाता है तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि FIR भी की जा सकती है। इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये सारे काम करने हैं। इसमें किसी भी प्रकार की टाइप टेस्ट, स्किल टेस्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की आप लापरवाही करेंगे या भी किसी भी प्रकार की आप गलत काम करना चाहेंगे तो आपके खिलाफ FIR किया जा सकता है। पहली इन्फॉर्मेशन तो इससे ये मिल रही है जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। आगे पढ़ते हैं इसको। नंबर 2 पर देखिए क्या लिखा हुआ। कैंडिडेट हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज फ्रेश ऑप्शन फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। जब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा तो आपके पास फ्रेश ऑप्शन होगा अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरने के लिए। ऑप्शन 1 एक्सरसाइज वुड बी फाइनल, therefore candidate are advised to bring option from Delhi field in after going through various eligibility conditions carefully as per details in notice of examination। एक बार आप इसको भर देंगे तो उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा और आप पूरा भरा हुआ लेके आइए अपनी प्रेफरेंस बना के और उसको वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। नंबर 3 इंस्ट्रक्शन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ एज रिलैक्सेशन अंडर एनी कैटेगरी, SC ST OBC, एक सर्विस मैन है, CGCC है, तो आपको एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको जो रिक्विजिट सर्टिफिकेट है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे एज पर एग्जाम नोटिस, वो आपको स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप उसको सबमिट नहीं करते हैं तब आपके साथ क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के ऑप्शन क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अक्सर कि सर, अगर हम वो डॉक्यूमेंट टाइम पर नहीं सबमिट कर पाए तो क्या हमारा कंसीडर होगा या नहीं होगा, तो उनका जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो कैंडिडेचर जो होता है आपका मे बी केप्ट अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप इस तरह का डॉक्यूमेंट, रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसी में आप अप्लाई किए हुए हैं और अगर आप उसको टाइम पर नहीं देते हैं तो आप UR कैटेगरी में चले जाओगे। UR कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, सब्जेक्ट टू मीट दी UR स्टैंडर्ड्स। लेकिन उसमें भी आपको UR स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे होगे तभी आप उसमें जाओगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। इफ ही डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ UR स्टैंडर्ड द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो अगर आप वो UR कैटेगरी के कैंडिडेचर आप नहीं रखते हो, फुलफिल कंडीशन नहीं करते हो उसकी, तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे। तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपका जो स्किल टेस्ट होगा, टाइप टेस्ट होगा, उस पर ये चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में आएंगी। ये 2017 का एडमिट कार्ड है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आप SSC के स्टूडेंट हैं तो CHSL, CGL और जो अन्य परीक्षाएं होती हैं
एसएससी के थ्रू उन सब के लिए चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी अपडेट समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।